हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गॉपजॉप टाइमलाइन। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल गॉपजॉप टाइमलाइन पे। फ्रेंड्स, कोल इंडिया की तरफ से बहुत ही बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से टोटल 5,500 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया है। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको कोई भी फॉर्म फिलअप फीस नहीं देना पड़ेगा और ये ऑल इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे इस वैकेंसी के बारे में, इस वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से बहुत ही बम्पर वैकेंसी आया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से टोटल 5,500 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, पोस्ट नेम जो है आपका दोस्तों ट्रेड अप्रेंटिस है। टोटल 5,500 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट है acl.gov.in। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे टोटल 5,500 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया है। यहाँ पर जो पोस्ट आया दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 1400 सीट, स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 50 सीट, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 50 सीट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 50 सीट, इलेक्ट्रिशियन के लिए 1600 सीट। उसके बाद दोस्तों, फीटर के लिए आप देख सकते हैं 1500 सीट, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए 390 पोस्ट, टर्नर के लिए 50 सीट, मशीनिस्ट के लिए 50 सीट। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें डीजल मैकेनिक्स के लिए 120 सीट, ड्राफ्टमैन के लिए 25 सीट, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 15 सीट, और मैकेनिक्स ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 100 सीट, प्लम्बर के लिए 150 सीट और कारपेंटर के लिए 50 सीट। टोटल आपका 5,500 यहाँ पे वैकेंसी जारी किया है कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे केवल ही केवल 8वीं और 10वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ आपका आईटीआई इस रिलेवेंट फील्ड पे होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट आपके इस रिलेवेंट फील्ड पे होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग आपका जो सैलरी हो जाएगा वो हो जाएगा 7,655। ये आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा पर मंथ। आपका एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है यहाँ पे दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, यहाँ पे कोई भी एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होगा। आपका बेसिक मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू कुछ नहीं होगा यहाँ पे डायरेक्टली। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मेरिट के बेसिस के ऊपर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो अगर आप डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरिट के बेसिस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन, तो आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसका लास्ट डेट जो रखा गया है दोस्तों, लास्ट डेट रखा गया 23 जुलाई 2019। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी दे दूंगा, और इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड करने पढ़ना चाहते हो, मैं इसका जो एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स है नोटिफिकेशन पीडीएफ वो भी मैं दे दूंगा। दोनों पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, ये था पूरा का पूरा डिटेल्स आपका कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो भी वैकेंसी आया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।